बिहार राज्य के दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड के गंगापट्टी गांव में 200 आबादी हैं। इन्हीं में से एक हैं उर्मिला देवी, जिसका बीपीएल में नाम जुड़ा हुआ 10 साल हो गया। उसका अभी तक राशन कार्ड नहीं मिलता था और अन्य आदमी को भी नहीं राशन कार्ड मिलता था। बीपीएल में मेरा नाम है, उसमें मेरे कुछ भी नहीं मिलता। मैं 7 परिवार हूँ, 5 बच्चे, 2 मियाँ बीवी। किरासन तेल मिलता है? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। अंधा हो गया, हमारा कुछ नहीं मिलता। न चावल के, न मोटिया तेल के, कुछ नहीं। गरीब लोग है, खाने बगैर मर रहा। वृद्धा हो गया, कुछ नहीं हमारा देता। कब से नहीं मिल रहा है? 8-9 साल हो गया, नहीं देता हमारा राशन पानी। अंधा हो गया, इतना साल हो गया, हमरा सबके कुछ नहीं मिलता। उसी महादलित टोला का मैं भी हूँ, क्योंकि मेरे पास भी राशन कार्ड नहीं था। हम लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाई, बात विचार करके डीएम के नाम से एक एप्लीकेशन लिख के डीएम के जनता दरबार में मैंने जाके पेश किया। और 1 महीने बाद डीएम ने ब्लॉक स्तर से विकास मित्र को मिला 1 महीने बाद। उसके बाद हमारे गांव में आके सारे जने को वितरण किया। मंगलू राम के द्वारा वीडियो बना के ले गया, उसके आधार पर ये राशन कूपन का वितरण अभी फिलहाल चल रहा है। राशन कूपन का कैसे वितरण हो रहा है? वितरण सीरियल बाय सीरियल है। जनगणना के आधार पर हम कूपन का वितरण कर रहे हैं। जिनके पास जनगणना का ये वाउचर मिला हुआ है, उसके आधार पर हम उनको कूपन देते हैं। कूपन नहीं, राशन कार्ड आया हुआ है। मंगलू राम ले गया, फोटो खींच का तब काट दिया, तब मिल रहा, तब जाकर से मिल रहा। और हुआ जो कागज लगा दिया डीएम के पास, तब कागज दिया, तब कार्ड मिला। कितने आदमी को मिला आप लोगों को कार्ड? जितना आदमी के लिख के ले गया था मंगलू राम, उतना आदमी के मिल चुका है कार्ड। फिल्म बना के जो ले गए थे? हाँ। सारे समुदाय के लोग ने इस बात को एक साथ मिलकर उठाया, जिसका सार्थक नतीजा निकल कर आया। मैं मंगलू राम, ग्राम गंगापट्टी, पोस्ट लहरियासराय, थाना बहादुरपुर, जिला दरभंगा, राज्य बिहार, इंडिया, अनहर्ट के लिए।